राम सरन है, मैं उतर गला कुसुम गोए, तो मैं जैसलमेर आ रही हूँ। तो जैसलमेर आ रही हूँ तो भाई कुछ अलग चीज मामने दिखा है, स्थान गांव कुछ भी अलग दिखा है। तो मैं कोशिश करूँ कि भाई उसकी वीडियो जरूर बनाऊँ, क्योंकि जो घर बैठे लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, वे और घर बैठे बैठे हमारी वीडियो देख कर ना आनंद भी ले लें और उन्हें थोड़ी बहुत जो यहाँ की जानकारी भी मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अड़ा हुआ है बेरा नी रंधा कड़ा घुमा कड़ा ना घुमा, और तम लगातार हमारी वीडियो देखते होंगे न्यूज़ वाला चैनल पर भी और व्लॉग वाला चैनल पर भी। फिलहाल इस वीडियो की शुरुआत कर दूं, मैं ये आ गई हूँ कुलदरा गांव में। मेरे पीछे तम बोर्ड भी देखते होंगे, ये पूरा का पूरा मतलब गेट है कुलदरा, एक पुरातात्विक स्थल। कुलदरा गांव के बारे में बहुत सारी बातें जो है बताई गई है कि भाई कुलदरा गांव ने कुलदर गांव के नाम से भी जाना है। हम भी पूछेंगे लोगा तभी, और अंदर जो बोर्ड वगैरह लग रहे हैं उन पर बेरा लगेगा। कुछ लोग नुकवे हैं कि भाई पानी की घटती आपूर्ति के कारण होया है, सबका अलग अलग कहना है। पता हिस्ट्री में तो यही लिखा है पानी की वजह से यहाँ कुछ हुआ था, इसलिए यहाँ की मतलब जो इसमें रहते थे वो छोड़ के बाहर निकल गए थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, है मेरे गले राम राम सर, क्या नाम है सर आप? खुर्रम। अच्छा जी, खुर्रम जी आपका क्या कहना है इस गांव के बारे में? हालांकि मामी भीतर जावांगे दिखांगे। इस गांव का ये बताते हैं, कोई पानी वानी की शॉर्टेज थी और कोई सालिम सिंह कोई स्टेट का मिनिस्टर था, उसकी वजह से यहाँ पे एक ही रात में सब चले गए थे। भूकंप भूकंप भी कोई आया था यहाँ। अच्छा जी, बाकी ये सारा घूम लिया आप? सारा घूम लिया। कैसा लगा राजस्थान? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। चलो भाई, सर की अपनी राय है, चलो भीतर चलते हैं। अरे देख, सबसे पहले मैम जब एंट्री करा तो यहाँ एक बोर्ड ला रखा, इस बोर्ड पे पूरा लिख रखा इतिहास की भाई कुलदरा का के कुछ इतिहास है, जो इसमें तम देख भी रहे होगे कि भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख रखा है। लोक कथाओं के अनुसार भाई कुलदरा जो है पालीवाल ब्राह्मणा का एक प्राचीन गांव था, बताया जा रहा है जो पाली के क्षेत्र तक था, और उन्होंने कुलदरा के चारों ओर जो है 84 गांव का निर्माण कर रखा था। और फिर जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से जो है उन्होंने रातों रात युगाम जो है वो छोड़ना पड़ा। और 19वीं शताब्दी तक शुरुआती दिन तय युगाम है, यानी कि लगभग नू ला लो कि 100 साल तक भी ज्यादा ला लो यु वीरान पड़ा है। गनखरी मैंने भी कुछ इस गांव के बारे में पढ़ी है, तो भाई नू भी कह रहे हैं कि भाई पानी की घटती आपूर्ति के कारण भी युगाम जो है नू उजड़ गया था, लेकिन इस बोर्ड पर नू लिख रखा मैंने दिखा दिया। हालांकि गनखरी जी आप अगर इस गांव के बारे में तम पढ़ोगे तो नू कहेंगे कि भाई इसने कुलदरा गांव या फिर कुलदर गांव। तो फिलहाल देखे तो हमने मैं भीतर एक यू घर है, शायद यू सबसे बड़ा ही घर है मेरे ख्याल से, घर है पता नहीं क्या कहा इसने, और इसकी मतलब बनावट देखो तम, ये उस टाइम के बने हुए हैं, पत्थर के बनाया करते जब तो घर, और पत्थर के कितने मजबूत। हालांकि यह लिपाई देखो, यह लिपाई मैं दिखाऊंगी, गोबर के लिप रखा यू नू नहीं मेरा यू ये लिप्य है या फिर पहले का लिप्योड़ है, जो यू पहले का लिप्योड़ होगा तो भाई चाड़े की बात है, 100 साल तक ज्यादा टाइम हो गया। बाकी नू ताजा ताजा हाल लग गया यू लग नू है कि भाई इब्बे लिप्या होगा, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया तो उस करके थोड़ी बहुत डेकोरेशन करी होगी, लेकिन जो यू बना रखा ना देख किस तरीके से ये पत्थर है, ये घर देख कितने बढ़िया शानदार, या गैलरी सी कार्ड रखी है, यू भीतर कमरे हैं बड़े बड़े कमरे होया करते, इब्बे तो अंधेरा हो रहा है तो हम देख सको हो बहुत ज्यादा मतलब यार बताई गई है। ये कुछ छोरे आ रहे हैं मेरे गल्ले इन तक पूछेंगे ना किसा लग गया घूम कर। राम राम जी। राम राम जी। कितना है सो? जोधपुर से। जोधपुर से हूं। अच्छा, फिर आप तो इसके बारे में कुछ ज्यादा जानते होंगे, इस किले के बारे में मतलब जो कुलदरा के कुछ है इसके बारे में बताइए। हम तो पहली बार आए, अभी पहली बार आए। हां, सुनया के है इसके बारे में के सुनया कि भाई के है कुलदरा में इतिहास में के बारे में कुछ। चलो मतलब कैसा लग रहा है घूम का? ठीक लग रहा है। चलो भाई बढ़िया लग रहा है। बढ़िया बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। चलो ठीक है, चलो और भी दिखाऊंगे। देखो ये मतलब बढ़िया तरीके से यार डेकोरेट कर रखा है, पानी का रखा जाता है। ये यहाँ पे पानी का रखा जाता है मटका, पानी के मटके। हाँ अच्छा, और ये किचन है पुराने समय का। किचन दिखाओगे? चलो भाई किचन दिखाओ, किचन दिखाओ। हाँ, ये किचन है पुराने समय का, ये किचन है सही में छोटा है ये सब किचन। भाई नू तो के बेरा ले उन्होंने के बनाया था, बाकी कोटो 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 किचन ने कोटो क्या करे, कोटो क्या करे, मारवाड़ी में, मारवाड़ी में कोटो कोटो। तो भाई यू कोटो थार वो घर रहने के है ना, ये रूम है। पगड़ी पगड़ी बांध रहे हो तुम, कितना हो? सात लोग। उड़ीसा आए हो? हां। इतनी दूर तक कितना टाइम लग गया? हम तो 2-3 दिन से आ गए हैं। अच्छा 2-3 दिन तो हो। अच्छा जी किसा लगे जैसलमेर घूम कर नु बताओ? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक तो घूम आए। हम गए थे जैसलमेर फोर्ट, गए थे अच्छा। जैसलमेर फोर्ट गए थे, उसके बाद वो लेक था। हाँ।
अच्छा याडा इसके बारे में सुना है, इस गांव के बारे में? हाँ सुना है, लेकिन ये तो ज्यादा नहीं पता। ज्यादा नहीं मेरा ज्यादा। बार बहुत सारी फैमिली एक रात में ही निकल गई थी। अच्छा हाँ पूछा था तुमने? हाँ बता रहे थे लोकल। मतलब रात ना आई थी कोई फैमिली? नहीं रात से निकल गई थी, रात में किस लिए मतलब वे। अच्छा अच्छा ना यू गाँव आहो इस गाँव के बारे में। ठीक ठीक हाँ। अच्छा जी जैसलमेर में आए हो, इतने उड़ीसा तो आयो ना? हाँ, कितने दिने आयो तुम? हम सात लोग हैं। सात लोग हैं, फैमिली के या दोस्त? नहीं दोस्त लोग हैं। दोस्त दोस्त। अच्छा यू है क्यों चुने तुमने जैसलमेर या फिर सारी चीज? नहीं पूरे राजस्थान चुने हैं, सब घूम के जाएंगे। घूम के जाओगे? हाँ। कैसा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। राम राम कर दो। राम राम। तो देखो ये गांव है और मैं ऊपर छत पे तो तुमने गांव दिखाने लग रही हूँ। देखो कितने सारे मतलब यार बहुत सारे लोग जो है वो टूरिस्ट प्लेस जब तक करया है, बहुत सारे लोग घूमन फिरन खातर आ रहे हैं। ये देखो बहुत सारे देख सको हो और दूर दूर लग जड़ लगता हमने ये नजर आवे है और डर लग मतलब ये छोटे छोटे घर थे पहले और जब तक यू गांव में तो सारे गांव के लोग जो है चले गए तब तक यू इसमें बहन है कोई भी कोला लगभग 100 साल तक लगभग 100 साल तक भी ज्यादा का टाइम बेसिंगता हो गया होगा। हालांकि नु है नुकवे है कि भाई रात ना नहीं आंदे यार कोई। और मैं उस साइड भी तमने ले दीजिए दिखाऊं तो एक बार ये लिपाई तो देखो ताजी सी लगेगी, तमने गोबर के लिए लीप रखा है एक। और इस साइड देखो मतलब दूर दूर लग तो मैं कुलदरा गाँव का जो दृश्य है वो तार लग दिखाने लग रही हूँ। एक बार मैं ये दिखाऊंगी पत्थर पूरा गांव जो दिखाया है। ओहो कितने मजबूत पत्थर है ये पत्थर देखो। आज भी इन पत्थरों की जो चमक है वो नू की नू है, ज्यों की त्यों बनी हुई है। यानी कि जिस टाइम यू गांव बनाया था बसाया था उस टाइम यू गांव के जो पत्थर लायक थे। हालांकि याड़ा जो जैसलमेर जो जोधपुर याड़ा आसपास जितने भी मतलब गांव पाओगे तो हमने इन्हें पत्थरा के बने पाओगे क्योंकि भाई याड़ा और चीज याड़ा मिलती ना है और ये पत्थर याड़ा मिला है इन्होंने सोने के पत्थर जब तो याड़ा सोने की स्वर्ण नगरी कह करे इसने कि भाई ये सोने भर के पत्थर है। तो इस पूरा गांव में भी कुलदरा गांव में भी ये पत्थर यूज करे गए हैं क्योंकि भाई देखो अगर इन पत्थरों ने मतलब मैले भी हो जाए तो भाई धोते तो नू के नू हो जाएंगे। उस टाइम के 100 साल तक भी ज्यादा टाइम के पत्थर है ये और ईब लग भी इन पत्थरा के बने हुए जो गांव मेरे पीछे देखो ये गांव में है मतलब हर एक घर है यू। हालांकि पूरा घर नहीं रह रहा कोई सा, सारे टूट फूट गए हैं। सरकार ने जो यू टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया उसके बाद यार बहुत सारे लोग जो है देखने खातर आवे हैं। इसके बाद जो है यू खुला था यार पीछे था, मैं एक बार दिखाऊंगी तो हमने यू सारा का सारा खुला था लेकिन ये शायद सरकार ने ये बैरियर से लगा दिए गए हैं ताकि भाई इसका अंदर अंदर का गांव है और जो लोग यारा आवे हैं वो यारा को देख ले। उसके पीछे जो है रेगिस्तान है और ऊंट देख सको होड़ा रेगिस्तान यारा। हालांकि सारा को रेगिस्तान नहीं है, हमने भी कुछ अलग सा यू गाँव देखने में मिला था। कुछ उन्होंने बताया था कि भाई यू भूतों का गाँव इसने कवे है, सबकी अलग अलग देखो मान्यता हुआ है, कोई कुछ कवे कोई कुछ कवे। लेकिन इसका जो इतिहास है वो शुरू में बोर्ड पर हमने तार लग दिखाया था कि भाई कुलदरा गांव ने कुलदर भी बोला है और इसमें क्यूकर यो जो है वीरान हो गया गांव, क्यूकर लोग जो है गांव के लोग छोड़ कर चले गए इस गांव ने और कुछ लोगों की जो है राय भी ली है, वो राय भी तो हमने सुन ली होगी कि उनका की कुछ कहना है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हाँ याड़े के लोग ने पूछना चाहते थे कुछ हमने मिले नहीं याड़े के लोग, तो भाई इस पूरी वीडियो ने देखने के बाद क्योंकि कुछ लोग तो इसे भी है जो याड़े कुलदरा गांव में आए भी होंगे देखने खातर यानी टूरिस्ट खातर आए होंगे तो उनकी के कुछ राय है अपनी अपनी राय मैंने कमेंट में जरूर बता दियो। मैं फिर मिलूंगी तब ना किसी इसी वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।